लगेगा, हम लोग को माफी नहीं होगा, हम लोग हम ये है इन पे ही विश्वास है कि ये अगर कर सकते हैं तो हम लोग को न्याय मिल सकता है। जिला बंद करेंगे, संरक्षण दे रहा है अपराधियों को, वही जांच कर रहा है, न्याय कहाँ से? इस तरीके से बिहार में सुशासन राज नहीं, राक्षस राज आ गया। IVTV देखता है इंडिया। से पड़े हुए हो, कुछ किए नहीं है। ग्यारह लोग कर रहे हैं साथ में भी हो सकता है।
जिला बंद करेंगे हम तो वही बोल रहे आप आए आए तो क्या क्या सब जानकारी मिला किस तरह दिल दहला देता है इस तरह का नशा न्याय न्याय सिस्टम में कहीं नहीं नीतीश कुमार जी कहते हैं न्याय के साथ विकास करें उनकी मम्मी का नाम विनीता देवी अन्याय कर रहे हैं और विनाश कर रहे हैं यहाँ का पुलिस यहाँ का रावत सेना प्रवीण झा ये सब मिल करके सब प्लानिंग करके यहाँ का डीएसपी एसपी सब मिली भगत से ये काम हुआ है इसे और अब तक कोई सुरक्षा नहीं दी है परिवार एक भी नामजद एफआईआर एक की भी गिरफ्तारी नहीं की जब जांच कर जो संरक्षण दे रहा है अपराधियों को वही जांच कर रहा है तो न्याय कहां से उसमें मुख्यमंत्री भले ही चोर दरवाजे से बने हो बच्चे लेकिन उनको आपके कम से कम पीड़ितों का आंसू पोंछना चाहिए उम्मीद दिलाना चाहिए कि न्याय भोगले भोगले जी चलो हम अलग से दो देंगे विनीता देवी है जिस तरह से जंगल राज कहा जाता था अब क्या लग रहा है आपको क्या लग रहा है रावण जो है बुराई का प्रतीक है रावण बुराई का प्रतीक है दशहरा में उसका वध होता है और प्रशासन के लोगों को पता ही नहीं कि रावण जैसे सेना यहाँ है और रावण सेना का काम क्या है मेरे पास काम दे पूरा तरीके से बिहार में सुशासन राज नहीं राक्षस राज आ गया है अगर रावण सेना चल रही है संहार कर रहे लोग तो राक्षस राज है आपने क्या मदद किया है पीड़ित परिवारों को मांग रही है सरकार से सरकारी नौकरी दे सुरक्षा दे लाइसेंस दे आर्म्स का और अविलंब जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करके फांसी सुनाई जाए हाई कोर्ट द्वारा मॉनिटर जांच होनी चाहिए तुमने भगवाना नहीं समझो नौकरी आपके तरफ से क्या सहायता किया जा रहा है पार्टी के तरफ से 5 लाख रुपए बच्ची जो है जो बीएसएफ में जो जवान कारीगरों ने देश की सेवा की उनको बेनेमी से मारा भी बता रहे थे इनके बच्चे अब उनके पढ़ाई में जो कुछ मदद हो पाएगा हम लोग जो है छोटा सा मदद 5 लाख रुपए का पार्टी द्वारा हम लोग कर रहे हैं और आगे उनके परिवार के लोग बाकी सब लोग पार्टी के लोग संपर्क में रहेंगे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसा नेता है क्या क्या आश्वासन दिया है आप लोगों को किस तरह का बात बताया गया कुछ ने कहा है न्याय मिलेगा लोगों को माफी भी होगा हम लोग हम ये है इन पे ही विश्वास है कि ये अगर कर सकते हैं तो हम लोग को न्याय मिल सकता है और मिलेगा हम यही चाहते हैं कि हम लोग को कुछ ना बस न्याय मिले और कुछ नहीं बस खून के मतलब और कुछ नहीं चाहिए हम लोग